फ्रीक्वेंटली। तो ये मद और मेह, ये जो दो वर्ड है उसी दो वर्ड के हिसाब से उसका ट्रीटमेंट भी मेह नत, मतलब मेह को नष्ट कर दो, ट्रीटमेंट खत्म, टॉपिक हमारा खत्म, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मधु है मतलब उसको करेक्ट करना है, जो स्वीट को करेक्ट करना है, उसको मेह को नष्ट करना है खाली। तो मेहनत करो, एक्सरसाइज करो, वॉकिंग करो, उसमें से काम हो जाएगा, बाकी डॉक्टर की और बाकी की जरूरत नहीं है। तो आगे जाने का ट्रीटमेंट या टॉपिक की भी अच्छा बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। लेकिन पेशेंट वो जो मेहनत नहीं करता, इसलिए ये डॉक्टर हमें विथ कॉम्प्लिकेशन और ये सब चीजें, क्योंकि आज के जमाने में पेशेंट ये मेहनत नहीं करता या एक्सरसाइज नहीं करता ऐसी बात नहीं है। चरक सुश्रुत वाग्भट उसके जमाने में नहीं करता था, इसलिए उसका अव्यायाम ये सभी उसके कॉजेस बोले हैं, और इसलिए उन्होंने विथ कॉम्प्लिकेशन ग्रंथकारों ने उसका ट्रीटमेंट दिया है। तो उसी के आधार पर आगे हम जाएंगे, हमारे तीन कंसेप्ट रहेंगे, उस तीन कंसेप्ट के ऊपर मैंने प्रैक्टिकली काम किया है, और वो जो काम किया है वो आपके सामने मैं रखने की या संदाय संभाषा करने की मैं कोशिश करता हूँ। और ये जो तारानाथ आयुर्वेदिक कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज के जो लड़के हैं और ये बाकी बहुत सारे लड़के इनके साथ ज्वाइन हो चुके हैं, ये लकी है ये दो चीजों के लिए, क्योंकि उनके लिए ये नॉलेज बहुत बढ़िया और अच्छे सा उनके पास आ रहा है, और उनका इस्तेमाल किया तो अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये मैं 100% बोल सकता हूँ। दूसरा, उनके पास माधव दिग्गावी सर जैसे एक सर है, ये जो ओपनली ये बात करते हैं और आयुर्वेद के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं और लोगों को इंस्पायर कर देते हैं। मेरे गुरु है, मेरे एल्डर ब्रदर है वो, और मेरे अच्छे दोस्त भी है। तो मैं उनको थैंक्स कहना चाहता हूँ कि आगे मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया है कि जो मैं प्रैक्टिस करता हूँ वो आपके सामने रखने की मैं कोशिश करूंगा, कि जो प्रैक्टिस करना है उसके लिए क्या क्या करना है, कैसा करना है उसके बारे में। दूसरी चीज है कि ये धन्वंतरी और जो गॉड शिवा है उसको मैं नमन करता हूँ, और जैसे कि हम कोर्ट में बोलते कि हम गीता के ऊपर हाथ रख के बोलते कि हम सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे, मैं आज ये भी कहना आपको सभी मेरे दोस्त जो आयुर्वेद के फैकल्टीज है, सभी आयुर्वेद सीखने वाले लोग हैं, आयुर्वेद में जो पीजी करने वाले लोग हैं, जो मुझे सुन रहे हैं वो सभी लोग हैं, उनको कि दोस्तों आयुर्वेद वाले सभी मेरे फ्रेंड्स, उनको मैं कहना चाहता हूँ कि मैं सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, जो मेरे प्रैक्टिस में है, मैंने जो किया है उतना ही मैं कहूंगा, क्योंकि हमारे पास एक डिसीज दिया और उस डिसीज के बारे में 10 एक्सपर्ट को बिठा दिया, तो 10 के 10 ओपिनियन अलग होते हैं, वो रॉन्ग भी नहीं होते और सही भी नहीं होते। तो हमें करना क्या है ये पता नहीं चलता। ये मेरे जमाने में भी ऐसा जमाने, मतलब मैं यू इदम के जमाने का नहीं हूँ, आपके जमाने का हूँ, तो वो भी सब चीजें ध्यान में रख के आगे जाता हूँ। और जो भी मैंने, मुझे जितना अंडरस्टैंडिंग हुआ उतना मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा, और मैं दावे के साथ कहता हूँ ये पक्का आपको प्रैक्टिस में यूज होगा और आप 100% ये प्रैक्टिस कर सकते। तो पहला जो हमारा कंसेप्ट है, ये हम मर्म जो है ये शिरो हृदय और बस्ती, ये महामर्म बोला है उनको, तो अम्बुवाहाणाम स्तुतसाम, तो वन ऑफ दी थ्री वेटल ऑर्गन्स ऑफ ब्रेन, हार्ट एंड किडनी, दीज आर द थ्री मर्मास। बस्ती इज डिस्क्राइब्ड एज द एंड पॉइंट ऑफ द ऑल फ्लूइड्स इन द बॉडी ऑफ जस्ट लाइक ओशियन। तो मूत्रधारो अम्बुवाहाणाम स्तुतसाम शरणम् उद्गवाहाणाम प्रभ्यः। तो ये बस्ती जो बोला है, ये बस्ती हम ब्लैडर बोल के लेते हैं, तो ब्लैडर बोल के हम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बस्ती ये ब्लैडर बोल के, ये वाइटल ऑर्गन या मर्म बोल के नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ब्लैडर को प्रॉब्लम ज्यादा आता है, तो प्राणघात या प्राणघातक नहीं होता है। तो उसका दूसरा जो है, तो उसको डिस्क्रिप्शन बस्ती का जो मिलता है उसमें से हम देखेंगे, अधोमुखम अपि बहिर्मुखम मूत्रवाहिनी से शिरा मुखे, तो मूत्रवाही शिरा मुखे, हेलो पार्श्व में उड़ियते सूक्ष्म में सैंदनम, हेलो हाँ आई कैन ऑडिबल, योर ऑडिबल हेलो सर। या ओके ओके ओके। तो इसमें बस्ती मूत्रवाही शिरा मुखे सर, तो मूत्रवाही शिरा शिरा मुखे इज लाइक ए नेफ्रॉन सर, सूक्ष्म सैंदनी में, तो अष्टांग हृदय में जो बोला है, तो मूत्रघातम प्रमेहश्च मूत्रम समाश्रितम,
तो ये दो वर्ड जो है, मूत्रवाही सिरामुखे और सेंदनम अंतरम, तो ये नेफ्रॉन के, नेफ्रॉन हम उसको रेफर कर सकते हैं उसको, तो उसके हिसाब से हम देखेंगे तो अप्लाइड एनाटॉमी ऑफ द किडनी ये जो देखेंगे तो सर्वेशा मूत्र मार्ग रोगाणाम अधिष्ठानम दस्ती। तो मूत्र रोग मार्ग, तो ब्लैडर के भी रोग होते हैं लेकिन मूत्र और श्रोतस के और किडनी के ज्यादा रोग होते हैं, तो ये मर्मस्तु अभिगतन पाक, तो ये अष्टांग संग्रह में भी बोला है। तो इस हिसाब से देखेंगे बाकी के जो पिछले वाले रेफरेंसेस हम देखेंगे उसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा मधुमेह इज अ डिसीज ऑफ द किडनी। तो करंट अंडरस्टैंडिंग क्या है, तो डायबिटीज ए कंडीशन ऑफ द हाइपरग्लाइसीमिया ड्यू टू द इम्पेयर्ड फंक्शन ऑफ इंसुलिन। तो इंसुलिन पैनक्रियाज एसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस एंड डायबिटीज डिसीज ऑफ द इंसुलिन एंड पैनक्रियाज, इसके ऊपर ही खाला खाली पूरा के पूरा आयुर्वेद का बेस है और उसी हिसाब से सभी डिसीज का ट्रीटमेंट और रिसर्च वो सब हो गया है, उसके हिसाब से इसके कॉम्प्लिकेशन और ये बाकी, क्योंकि डायबिटीज हाइपरग्लाइसीमिया खाली नॉर्मल शुगर रहने के बाद भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस और बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, तो हमने करंट अंडरस्टैंडिंग जो है उसको थोड़ा सा अलग करके हम हमारे आयुर्वेद के कंसेप्ट के हिसाब से आगे जाएंगे। तो मधुमेह ये दारुण व्याधि है, तो ये मर्म महामर्म अश्रित व्याधि है, सर्वदोषज व्याधि है, तो ये सभी ग्रंथ में आपको मिलता है। तो हम पहला कंसेप्ट लेंगे तो उसमें से भूताग्नि, जो पंचभूत हमारे जो सांगली के दातार शास्त्री जी है उन्होंने बहुत अच्छे से पंचभौतिक चिकित्सा और पंचभौतिक के ऊपर कुछ मेडिसिन बना के उसके ऊपर सा ट्रीटमेंट का अलग पार्ट बना दिया है, तो उसी कंसेप्ट के ऊपर थोड़ा हम जाएंगे। तो भूताग्नि इज वन ऑफ दिस सच कंसेप्ट, इट कैन हेल्प टू इम्प्रूव योर अंडरस्टैंडिंग एंड आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ऑफ द मधुमेह एंड ग्रेट एक्सटेंस। तो ये अब आप देखेंगे तो उसमें से अग्निमान्द्य इज द इन मधुमेह संप्राप्ति बहुदोषा श्लेष्मा दोष विशेषा, तो उसमें से बहु अबद्ध मेद मांस शरीर जा क्लेद शुक्र शोणित वसा मज्जा, ये जो सभी धातु आप बोला है ये सभी इसमें से आप आगे देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा ये सोडियम क्लोराइड मैग्नीशियम कैल्शियम ये सभी चीजें इसमें से है, तो वो एक्स्ट्रा सेल्युलर और इंट्रा सेल्युलर जो भी फ्लूड रहता है वो शरीर जो क्लेद है मेदो ये चरक निदान स्थान में बोल के रखा है। द्रव और लिक्विडिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द अपमद महाभूत फ्रॉम द अबव रेफरेंसेस इज द वेरी क्लियर दैट द शरीर जा क्लेद ये इज द मेन फैक्टर दैट विशेटेड इन मधुमेह। इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू नोट दैट ऑल दोज फैक्टर्स इन द बॉडी दैट हैव फ्लूइड्स आर लिस्टेड इन अरे दुष्य विशेष। आप देखेंगे तो इंट्रा सेल्यूलर और एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड जो है उसका मेंटेनेंस पूरा की पूरा दुष्य विशेष रहे। अस्थि धातु इज नॉट लिस्टेड बिकॉज इट हैज द निग्लिजिबल अमाउंट ऑफ द फ्लूइड इन इन इट एंड हेंस कैन नॉट बी अ दुष्य ऑफ द मधुमेह। ऑल्दो मज्जा आर द सॉफ्ट स्पॉन्जी पार्ट इन द ऑलरेडी कंसिडर्ड सिंस द्रव इज द मेन प्रॉपर्टी ऑफ द आप महाभूत ऑल फ्लूइड्स इन द बॉडी स्पेशली क्लेदा आर द गवर्न्ड बाय द मेटाबॉलिज्म ऑफ द आप महाभूत हेंस देयर हेल्थ इज डायरेक्टली डिपेंड ऑन द अपाग्नि। इट इज ऑब्वियस दैट इफ अपाग्नि इज फंक्शनिंग प्रॉपरली इट इज अ गुड हेल्थ एंड क्लेद इन द बॉडी। If there is a vikruti of the apagni, then vegetal kleda will be the producer in the body. Therefore, can conclude that apagni is not functioning properly in the madhumeha. Praveen, दूसरा जो concept है the basic issue of the hyperglycemia. Hello, Praveen के लिए blood glucose level remain raised. Body cells are unable to utilize if there is a need. So high blood sugar levels, if they are digested at a very in madhumeha, madhurya is the substance utilized. Due to the ओके मतलब मला हे दिसत नाही
प्रोग्राम डिस्टर्बेंस इफ दे आर हाई ब्लड शुगर लेवल्स इफ दे आर डाइजेस्टेड वेरी वेल माधुरी इज द सब्सटेंस एंड ड्यू टू द भूताग्नि मंदे ऑफ द भूमे एंड अपाग्नि आर नॉट डाइजेस्टेड प्रॉपरली द बॉडी कैन नॉट यूटिलाइज देयर माधुर्य एंड इट स्टे इन द बॉडी एंड अनडाइजेस्टेड अमाउंट. आपको एग्जाम्पल मैं देता हूँ कि हमारे पास बहुत सारे मतलब एयरफोर्स के पेशेंट्स आते हैं कि उनका हर 3 महीने में उनका इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उनको प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन शुगर होती है तो उनको ग्राउंड ड्यूटी देते हैं. आपको जब शुगर नॉर्मल रखना है तो आप 1 ग्राम शंखवटी दे दो और 100% सुबह का मतलब आपका बेसल कर लो तो 100% ये नॉर्मल आ जाती है. ऐसा क्यों होता है? तो अनडाइजेस्टेड जो शुगर रहती है आम जो रहता है वो आम से क्रैक हो जाता है और उसकी वजह से ये कम हो जाता है. एंड मैंने थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट्स में मैंने देखा एलआईसी के बहुत सारे पेशेंट आते हैं बोलते हैं कि हमें डायबिटीज दिखाई नहीं देना चाहिए. तो उसमें हम देखते हैं इसे इलीगली पार्ट लेकिन ये हम कर सकते हैं डायबिटीज ये तो आम की जो आम के लिए मैंने आपको बोल के रखा. ब्लड शुगर दिस इज द व्हाट हैपन इन डायबिटीज मेलिटस इंक्रीज द ब्लड शुगर लेवल द ग्लूकोज इज एब्सॉर्ब्ड फ्रॉम द फूड इनटू द ब्लड बट कैन नॉट बी यूज्ड बाय द बॉडी. तो प्रॉब्लम किसमें है? डायग्नोस्टिंग एंड ट्रीटिंग द कंडीशन ऑफ द हाई ब्लड शुगर विद एब्सेंस ऑफ द साइंस एंड सिम्टम. तो ब्लड ग्लूकोज लेवल रिमेन रेज्ड बॉडी सेल्स आर अनेबल टू यूटिलाइज इट फॉर देयर नीड्स. बेसिक इशू हाइपरग्लाइसीमिया हाउ डू टू डील विद आर आयुर्वेदिक मेडिसिन इफेक्टिव इन ट्रीटिंग द हाइपरग्लाइसीमिया. यस नॉट ओनली हाइपरग्लाइसीमिया बट प्री डायबिटिक्स एंड कॉम्प्लिकेशन अराइजिंग आउट ऑफ द हाइपरग्लाइसीमिया आर इलेबरेटली मेंशन. माइक्रो इंफ्लामेशन एंड कार्डियोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन आर ऑल्सो एड्रेस्ड इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर स्टार्टिंग treatment and consequence if not done at the stages. High BSLL, no signs and symptoms are the Agni Mandya and Bhumi Agni and Apagni. Madhuri stage unutilized, partly digested arm condition, but it is not capable yet to develop any symptoms or disease, hence there is absence of signs and symptoms. Another comes one concept. This is a concept of the clade, also called as udaka. It compenses electrolyte balance and fluid metabolism of the body, whole body, directly related to the urine and kidney. Anatomically and physiologically, references clearly point out to these conclusions. Pathologically related to the udara and diabetes and shodh. The application of the concept of clade agni in treatment. In this sloka, आप देखेंगे इसमें से तो क्लेद एंड मेद त्रिफला आरोग्यवर्धनी चंद्रप्रभा नवाय स्लो इज अ गुड रिजल्ट फॉर क्लेद एंड अग्नि. अनदर इन दिस श्लोका दिस संशोधनानी दुर्बलस्य संशोधनानी इज दात्री निशा एंड गुरुची सोरस ये भी इसमें से यूज हो जाता है बलन. कंसिडर डायग्नोसिस दिस इज कफर्स पित्तज एंड वातज. पूर्वरूप इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन डायबिटीज. प्रमेह पूर्वरूप उसमें हमने ट्रीट करना शुरू कर दिया तो कॉम्प्लिकेशन बहुत कम आते और ये ट्रीटेबल रहता है. ये और पूर्वरूप में आने वाले पेशेंट जितने रहते उस पेशेंट को हमने वमन दे दिया तो ये 100% रिवर्स आ जाते. तो इस श्लोका में इसमें इफ सच ट्रीटमेंट इज नॉट डन इन दैट स्टेजेस मतलब पूर्वरूप में हमने ट्रीटमेंट नहीं दिया इस सेप्सिस एंड टिश्यू डिस्ट्रक्शन the disease becomes incurable and the stages. Hence, the diabetes should be or must be treated seriously in early stages. So, early stages mein diabetes treat kiya, to ye curable hone ka chances jyada rahe.
यूजफुल कंसेप्ट जो रहता है डायग्नोसिस का, शुक्र दोष प्रमेह हस्तो व्यान अपान प्रदोषा, सुश्रुत सही टाइम बोला है, निदान दोष दुष्य विशेषा चरक ने बोला है, दोष दुष्य संयोग विशेष मुक्ताद वर्णन वेद भागवत ने बोला है, और ऑल ये सभी तो अति संपूर्ण कफस संभव व्याधि रहता है, और क्षीण दोष में अनिलात्मज या वातज कंडीशंस। ये संप्राप्ति में हम देखेंगे तो कंसेप्ट ऑफ द पैथोलॉजी संप्राप्ति, इसमें से श्लेष्म अधिष्ठान मूत्र वाता ये खाली अवार्ड देखो, और उसमें से क्लेद की ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। तो दुष्यंते अंत समभागत्वा, तो देह क्लेद इस कंडीशन में, तो ये जो स्टेप्स है सभी के सभी, तो स्टेप्स बाय डिस्क्रिप्शन ऑफ द ग्रेजुअल प्रोग्रेशन ऑफ द डिसीज एंड डिराइव्ड बेस्ड ऑन नॉमिनल विधान तंत्र युक्ति एप्लीकेशन इन चिकित्सा कंसेप्ट इन आयुर्वेदा इज द मेन टू यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ द डिसीज टू इम्प्रूव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ट्रीटमेंट मधुमेह तो ग्रेटेस्ट ग्रेजुअल इन्वॉल्वमेंट ऑफ द धातु वात पित्त मेद तो रस रक्त मांस मेद अणमी तो वस्ती श्लेष्मा प्रेम हन जयते कफ शोणितम इक्त पित्तम और वसा लसिका मज्जा निदान। इन प्रोमिनेंट दोषास आप देखेंगे इसमें से ये होल श्लोका में पित्त प्रकोपात, जहाँ पित्त प्रकोप रहता है और किसी पेशेंट में या के इस कंडीशन में, तो ये माइक्रो इन्फ्लामेशन रहता है, ये माइक्रो इन्फ्लामेशन की वजह से व्रण चिकित्सा भी उसमें ने बोल रहे। दूसरा जो श्लोक है जो तो कटोतिक्त कषाय उसमें से वात प्रकोप मापम, यही वर्ड जो इस्तेमाल किया डिस्ट्रक्शन शीत में, तो ग्रेजुअल इन्वॉल्वमेंट ऑफ द दोषास आप साध्य किसको बोल सकते हैं, तो कफ पित्त मेद क्लेद मांस शुक्र रसो श्लेष्म प्रमेह साध्य कफ पित्त मेद क्लेद मांस शुक्र रस अन्वितम कप शोणित प्रमेह कप वात मेद क्लेद मांस शुक्र रसो अपशोनित वसा लसिका मज्जा ओज ये बात असाध्य, तो ग्रेजुअल इन्वॉल्वमेंट ऑफ द दोष प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ द मधुमेह जामुल बीज करेला नीम मिथि ये इतना ज्यादा इस्तेमाल करते हैं लोग, या प्लांट लाइक गुड़मार, गुड़मार ये बहुत ज्यादा लोग खाते हैं, से पता नहीं चलता कि उसमें शुगर कम हो जाती है कि नहीं, खाली इसका रस ग्रहण जो होता है ये माधुर्य जो होता है ये कम हो जाता है, ये टेस्ट बड़ को टेस्ट नहीं आती, तो आगे जाके क्या करेगा, ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए डायबिटीज मधुमेह जो है ये कम नहीं होता ऐसे लोग बोलते। जामुल बीज भी बहुत ज्यादा यूज करते हैं, या नीम या मेथी, मेथी से बहुत ज्यादा तीखा रस लेने से क्लेब डेवलप हो जाता है, और डायबिटिक ड्रग इंड्यूस्ड मतलब आयुर्वेदिक ड्रग इंड्यूस्ड क्लेब भी ज्यादा होता है, इसलिए मधुमेह या मधुमेह कुछ ड्रग बोले हमें पता नहीं चलता एग्जैक्टली वो काम करता है नहीं करता। फॉर्मूला फ्रॉम दी संहिता ट्रीट द सिम्टम्स एंड अदर कंडीशन सप्लीमेंट्री टू रूल। चिकित्सा सूत्र जो बोला है ये सूत्र आपको पता है स्थूल प्रमेय ही, और ये तो स्थूल प्रमेय क्या है, ग्रॉस इंपेयर्ड भूमि एंड अपचार, तो भूताग्नि मानदेय इज ए कंपल्सरी मोर बलवान, तो कंपेरेटिवली बेटर टू हैंडल, द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ द पेशेंट शुड फर्स्ट रिसीव वृक्ष तर्पण दीपन एंड ऑफ कल्प, स्थूल प्रमेय वी शुड बी प्रोमिनेंटली आकाश एंड वायु महाभूत, कृष प्रमेय हु ऑल्सो हैज इम्पेयर्ड भूताग्नि मानदेय not only the prithvi and apabhuta of all the panchamahabhutas and hence is very barbalya, this condition is difficult to handle and can easily converted to asadhya vayurihita। तो कृश प्रमेय के लिए हमने देखे कि these category of the patients need to receive dipana grahana and meghana types of the kalpas which are the primordially of the prithvi and aap mahabhuta, such dravyas are very few and the condition is of the vidko, hence it is difficult to handle, a few examples of such kalpas are the bhukshura in kusha pramey mein dekhenge
तो बहुत कम ड्रग हमें ट्रीट करने के लिए मिलते हैं, जब उसमें ग्रुप यूज करना पड़ता है हमें, तो गोक्षुर, त्रिकंटक आदि स्नेह, त्रिक गोक्षुर बहुत अच्छा काम करता है, इन चरक संहिता और सिद्ध ग्रुत गुड ऑप्शन और सच। मधुमेह हमने भाव प्रकाश में देखा है, तो डायरेक्ट जो रेफरेंस मिलता है उसमें 37 ड्रग्स मिलते हैं और दो धातुज मिलते हैं या खनिज मिलते हैं, रौप्य और वंग। मेह इन देयर फलश्रुति, उसमें फलश्रुति में ये मिलते हैं, लेकिन बहुत सारे अलग भी उपाय मिलते हैं जहां फलश्रुति मेह या प्रमेह हमें मिलती है। अब जो देखा है हमने, जो ट्रीटमेंट हम करते हैं उसी हिसाब से, तो एक चार्ट बना के मैंने रखा था, उस चार्ट में हम क्या क्या करते हैं। प्रोन टू डायबिटीज, इसमें अपदर्पण या मेदोरोग चिकित्सा या स्थूल चिकित्सा, निदान परिवर्जन करना है हर एक पेशेंट में, या विहार चिकित्सा, अरे उसने मेहनत या व्यायाम कर दिया तो भी काम हमारा हो जाता है। प्री डायबिटीज लीजिए, प्रमेह पूर्व रूप, तो अपतर्पण करना है, मेहग कौत देना है, बस्ती मूत्र, मेहरोग और स्थौल्य चिकित्सा हम करते हैं, विहार, धात्री निशा और आरोग्यवर्धन। डायबिटीज मेलिटस प्रूल है, प्रमेह है, मधुमेह है और शोधन है, तो उसको ऑल अबाव सभी करके, और उसमें संतान परजन्य इंटरमीडिएटली, विहार चिकित्सा, धात्री निशा, आरोग्यवर्धनी, चंद्र प्रभा कभी यूज करते हैं या अयस्कृति इसको यूज करना, क्योंकि धातु शैथिल्य है उसमें। क्रॉनिक डायबिटीज प्रमेह पीलिका, ABCD वो सभी ऊपर का करना है, रक्तमोक्षण करना है, स्थौल्य और कुष्ठ, विहार। लेकिन इसमें रक्तमोक्षण करते टाइम पे दो चीजें याद रखना है, प्रमेह पीड़िका में पीड़िका के नजदीक करीबन 3 या 4 सेंटीमीटर के बाद ही उसको रक्तमोक्षण करना है, प्रच्छन्न कर्म कभी भी नहीं करना, क्योंकि उसमें से दुष्ट वर्ण होने का चांसेस रहता है। इसमें सबसे अच्छा सारीवा अध्यासव काम करता है और धन्वंतर गुरु भी अच्छा काम करता है, डायबिटिक विद कॉम्प्लिकेशन प्रमेह पीड़िका। उसमें ऊपर के सभी और वर्ण चिकित्सा करो, वर्ण चिकित्सा, विद्रधि चिकित्सा और धन्वंतर ग्रुत और विडंगारिष्ट, इसमें सबसे अच्छा काम करता है, विडंग का स्पेशल रेफरेंस या स्पेशल जो विडंग काम जो करता है, ये जो सिस्टम ना चली रहती है लसिका के ऊपर या स्पेशली जो लिम्फ नोड्स रहते हैं उस लिम्फ नोड के ऊपर विडंग अच्छी तरह से काम करता है, तो विडंगारिष्ट उसमें देना चाहिए। डायबिटीज भी सीवियर कॉर्बिडिटीज, मधुमेह पैलेटिव ट्रीटमेंट असाध्य है, बिहार चिकित्सा, धन्वंतर गुरु और मधुतैलिक बस्ती का भी उसमें फायदा होता है। शमन चिकित्सा का जो रोग है वो कनेक्टेड टू अग्नि, क्लेदानी, त्रिदोष, तो ट्रीटमेंट जो कंसेप्ट जो है, जैसे डायबिटिक पेशेंट्स शुड नेवर बी अलाउड स्वेदना ऑफ द एनी काइंड, ये देह स्वेदना बोला, डायबिटिक पेशेंट नीड टू स्ट्रॉन्ग पर्गेटिव, इसका बहुत अच्छा फायदा होता है। हमने एक कंसेप्ट इसमें से छोड़ा है जो आप लो, क्योंकि वो कला जो रहती है पित्त धारा कला या उसके ऊपर, तो ये इंटेस्टाइन में जो पित्त धारा कला रहती है उसका पर्गेटिव मतलब अच्छी तरह से उसका मोशन होता है या स्ट्रांग पर्गेटिव देते हैं, तो हाइपरग्लाइसीमिया बहुत जल्दी ट्रीट होता है। तो अनादर एक कंसेप्ट हमने जो एक रखा, जो कुष्ठ व्याधि जो रहते हैं, जो कुष्ठ के जितने भी मतलब कल्प बोले वो सभी के सभी मधुमेह बहुत अच्छा काम करते हैं, तो किस बेस से काम करते हैं, तो अपत्यगत्वा त्रिदोष प्रारब्ध महाव्याधि सामान्य कालांतरे ने असाध्य, जो डायबिटीज का बोला है वो सेम टू सेम ऐसा होता है, और चिकित्सा भी उसकी न्यू ऑप्शंस ट्रीटमेंट्स उसमें मिल जाते हैं, तो बहुत सारा हम इसमें यूज करते हैं। उसमें से हमने एक उर्वरक जो डायबिटीज मेह के लिए बोला नहीं है लेकिन हमने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और एक्सलेंट रिजल्ट उसका आता है, उर्वरक जो चालम वगैरह उसको हम बोलते हैं।
दूसरा जो चिकित्सा है, शोधन, शमन, रसायन, आहार, विहार और मानस भाव। शोधन में वमन करना है, वमन के लिए स्नेहपान के लिए तेल इस्तेमाल करना है। विरेचन, अन्य हमने बहुत सारे पेशेंट जो प्री डायबिटिक है, जो पूर्व रोग लेके आते हैं, उसके लिए हमने तेल इस वक्त खरी प्लेन तिल तेल या सिद्ध हरिद्रा सिद्ध तेल जो रहता है वो तेल इस्तेमाल करके भी हमने वमन करके देखा है, उसमें से बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। लेकिन जो डायबिटिक प्रूड है और सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन, उसमें उसका रिजल्ट हमें नहीं मिला। विरेचन से बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, अस्थमन बस्ती का भी रिजल्ट मिलता है। मधुर भवती, द इफ सच ट्रीटमेंट इज नॉट डन एट दिस स्टेज ऑफ द पर्सन कंटिन्यूस हैविंग द स्वीट इन द डाइट, पर्सन यूरिन स्वीट एंड कफ इज स्वीटेंड एंड डायबिटिक बिकम्स कॉन्शियस, पर्सन इज डायग्नोस डायबिटीज, स्वीटनेस बिकम्स प्रोमिनेंट इन द बॉडी एट दिस स्टेज। ऑल अलॉन्ग प्रीवियस स्टेटमेंट वमना एंड विरेचन नीड टू बी डन इनक्लूडेड पेशेंट। वोमन और विरेचन से, वोमन हमने बहुत करके देखा था, उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमें नहीं मिले। तो शमन का जो है ये कैटेगरी करके हमने रखे हैं, उसमें क्लेद, कैटराग्नि मानदेय, धात्वाग्नि मानदेय, भूताग्नि मानदेय, मेधदुष्टि, शरीर शैथिल्य, धातु क्षय, ऊर्जा क्षय, वात वृद्धि और व्यान और अपान विकृति। ये इतनी वर्ड याद रखो, उसी सभी का ट्रीटमेंट हमें करना है और इसी का स्पेसिफिक सिम्टम्स हमें पेशेंट में दिखाई देते हैं और उसका ट्रीटमेंट किया तो श्योर शॉट हमें अच्छा रिजल्ट्स मिलता है। ये स्थूल प्रमेही, स्थूल बलवान, स्थूल दुर्बल, कृच, ये आप टेक्स्ट में पढ़ लो। स्थूल बलवान है तो उसको शोधन देना है, अपतर्पण और संक्षमन, संतर्पण और रसायन। स्थूल दुर्बल, रुक्षण, शमन, संतर्पण, रसायन। कृश बलवान, शोधन, शमन, संतर्पण, रसायन। कृश दुर्बल, ब्रहण, शमन और रक्षण। ये सभी कल्प है, ये हमने इस्तेमाल किए। दात्री, दात्री निशा, रक्तपाचक, चंद्रप्रभा, चंद्रप्रभा अभी हम ज्यादा यूज नहीं करते क्योंकि शिलाजंतु का सब लफड़ा चल रहा है। तो फलत्रिकादि कौथ बहुत इस्तेमाल करते हैं, महातिक्त कौथ और महातिक्त घृत, गूगल तिक्त घृत भी हम इस्तेमाल करते हैं। प्रमेहर कौथ, पित्त प्रमेहर कौथ जो है, अपतर्पण कौथ, कॉम्बिनेशन भी हमने दिया है तो उसका भी अच्छा फायदा होता है। त्रिकंटक आदि स्नेह ये सबसे अच्छा, और धन्वंतर गुरु सबसे अच्छा काम करता है, ये कुछ प्रमेय में काम करता है। स्वराज वंगेश्वर ये दोनों डायबिटीज में काम करता है, मतलब स्थूल और कुछ में ऐसा। स्कृति या उसको स्कृति जो बनती है वो भी हम इस्तेमाल करते हैं, उसका फायदा होता है। शिला प्रवंग ये दूधपापेश्वर का एक ड्रग आता है, वो भी हम इस्तेमाल करते हैं। वसंत कुसुमाकर कोटकल कंपनी का बहुत अच्छा काम करता है। जो ट्रीटमेंट करना है हमें एक्चुअली ये कुष्ठ, मेदो रोग, स्थौल्य संपर्कपथ विकार या अन्य असंख्य कल्प है, उसमें हम इस बहुत इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कुष्ठ के भी सभी कल्प हम डायबिटीज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें मेह आना चाहिए, उसमें मेदोरोग के कर सकते हैं या स्थौल के। क्लेद की ट्रीटमेंट करना है तो निशा आदि कषाय जो है ये श्योर शॉट काम करता है, क्लेद बढ़ता है तो। और क्लेद का दूसरा जो होता है क्लेद मूत्र वहन, क्लेद बोल रहे हैं तो जो प्रोटीन आता है आगे जाके आपको बता देंगे हम, तो उसमें भी बहुत अच्छा काम होता है। या तथा खदीर आदि कषाय ये 100% यूरिन शुगर कम कर देते हैं। ये स्कृति हम इस्तेमाल करते हैं, अर्गवद आदि कषाय या असमाधि गण। दूसरा जो मेदु दुष्टि रहती है या अपतर्पण कौथ और आरोग्यवर्धनी, आरोग्यवर्धनी हमने दो दो साल तीन तीन साल दिया है, वो भी हम भी जीवित है और वो पेशेंट भी जीवित है। ये तो ज्यादा दिया तो प्रॉब्लम आता है या कॉम्प्लिकेशन आते हैं या साइड इफेक्ट रहता है। ये प्रैक्टिकली हमने अभी दो साल कंटिन्यू अर्घवर्धन लेने के बाद भी किसी पेशेंट में आज तक आया नहीं है। अग्निमानदेय जो है अर्घवर्धनी ये धातु अगत जो पाचन है उसका पाचन अच्छा करता है, ये रक्त पाचक हम उसमें इस्तेमाल करते हैं। त्रिकटु और वरुणादि कषाय या वरुणादि कौथ। व्याधि प्रतिनिधि जो ड्रग है मधुमेह के लिए, ये ड्रग हम आप 100% इस्तेमाल कर सकते हैं। फलत्रिकादि कौथ, कफ मेहर और पित्तज मेहर,
नवाइस लोह और महातिक्त कौत और धातृ मिशा। नवाइस लोह ये इस्तेमाल करना शुरू कर दिया आपने, तो याद रखो कि डायबिटिक न्यूरोपैथी बहुत जल्दी आती नहीं है, और पेशेंट को फटीकनेस जो आता है, डायबिटिक के पेशेंट में फटीक से रहते हैं ऐसे, तो उसका ये उत्साह बढ़ाने के लिए नवाइस लोह सबसे अच्छा। शरीर शैथिल्य ये हर एक पेशेंट बोल देता है, तो आलस्य जो उसका रहता है, ये पेशेंट बोलता है कि मैं करने की बहुत कोशिश करता हूँ लेकिन मैं कर नहीं पाता, इसलिए नहीं करना पाता कि मुझे मन नहीं करता, या मुझे करने की कोशिश में करता हूँ लेकिन होता नहीं मुझे, तो ये सभी के सभी जो है ये शरीर शैथिल्य की वजह से होता है। तो अयस्कृति इज अ बेस्ट ड्रग है, अर्ग बता दिया, और नवाइस लोह, ये नवाइस लोह ये मायोग्लोबिन जो रहता है, ये मायोग्लोबिन के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है, और आने थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट्स मैंने देखे और बहुत अच्छे काम करते हैं इसमें से, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा जो रहता है धातु क्षय और ओज क्षय, में वसंत कुसुमाकर, भरतवाद चिंतामणि, महालक्ष्मी विलास और किसी भी सिद्ध घृत दे दो, ये सबसे अच्छा काम करता है। वसंत कुसुमाकर डेली वन हम देते हैं, मन 2 मंथ के बाद 5 डेज उसको बंद कर देना, 60 डेज के बाद, और फिर शुरू कर देना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता। 6 मंथ तक हम वसंत कुसुमा कर देते हैं। वात वृद्धि और व्यान अपान दुष्टि, ये बहुत सारे पेशेंट में बहुत सारे सिम्टम्स वात वृद्धि के, व्यान या अपान वृद्धि के होते हैं, कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमें एक्चुअली गैसेस होता है या डाइजेशन अच्छा नहीं होता, तो इस पेशेंट के लिए 3 कंटक आदि स्नेह, कफ पित्त मेहारी कौत भी दे सकते हैं, धन्वंतर गुप्त अच्छा काम करता है, धन्वंतर अरिष्ट बहुत अच्छा काम करता है, और दशमूल अरिष्ट और महायुगराज गुरु। इसमें दो चीजें याद रखना, धन्वंतर अरिष्ट और दशमूल अरिष्ट हम देते हैं, हम लोग बोलते हैं कि 2 चम्मच 4 चम्मच पानी के साथ लेना, ये 100% गलत है, ये रॉन्ग है, क्योंकि यार ये तो अरिष्ट है, ये 2 चम्मच लिया है तो मैक्सिमम हो गया वो 5 to 7 ml, उसमें आपने 10 ml पानी डाल दिया, अरे बचा क्या उसमें फिर। और ये अरिष्ट और धन्वंतर अरिष्ट दशमूल अरिष्ट ये नीट लेना है, डायरेक्ट लेना है उसको, तो 30 ml या 40 ml उसको विदाउट वाटर दे दो, तभी उसकी एक्शन है, तब उसके अलावा उसकी एक्शन बिल्कुल भी नहीं है, और पेशेंट ने 30 ml 2 टाइम्स लेना चाहिए, बिफोर फूड लेना चाहिए, तभी उसकी एक्शन आती है, और 100% बोलता है पेशेंट कि मैं इसमें से बहुत अच्छा मुझे लग रहा है। तो ये डोज याद रखो। शुक्र क्षय, तो राज मंगेश्वर हमें इस्तेमाल किया है इसमें से, त्रिभंग, वसंत कुसुमाकर, चंद्रप्रभा, सुकुमार घृत, शिला प्रभंग, रसायन चूर्ण इसमें सबसे अच्छा काम करता है, ये भी इस्तेमाल करते हैं। इस पेशेंट में बहुत ज्यादा पांडुता आती है, क्योंकि क्लेश जब आता है तो आगे का पोषण नहीं अच्छी तरह से होता, तो इसमें मंडूर वटक हमने इस्तेमाल किया है, अप्यादि लोह, नवायस लोह, हमारे अपने ट्रीटमेंट देखा होगा कि बहुत जगह पे हमने नवायस लोह यूज किया है, धन्वंतर ग्रुप भी पांडुता में यूज करते हैं। ये आगे जाके ये सभी डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशन है, ये कॉम्प्लिकेशन हमें ट्रीट करने का आता है, क्योंकि हाइपरग्लाइसीमिया और बाकी सब चीजों के लिए शुगर मेंटेन के लिए एलिपैथी वाले बहुत ज्यादा काम करते हैं, हमारे लिए ये काम करता है, और इसमें हमारी मास्टर की होनी चाहिए, आगे जितने मैं बोल रहा हूँ आपको हमारी मास्टर की है, और हम आयुर्वेद वाले 100% इसमें ट्रीट करना चाहिए, और होता है, ये मैंने प्रैक्टिकली देखा है। ये क्लेब्य सबसे ज्यादा होता है, ये पहले दो क्लेब्य के कॉजेस है, एक तो ड्रग लेते हैं लोग, और दूसरा आयुर्वेदिक ड्रग जो ज्यादा लेते हैं जो त्रासात्मक रहता है उसमें शंड बोला है, तो हमें पहले क्या करना चाहिए, उसकी मेथी और जितना तिक्तरसात्मक द्रव्य लेता है वो कम करना चाहिए, पहला बंद करना उसको। दूसरा अग्नि मंदे ऑफ दी भूमि अमल के दी भूमि अग्नि एंड अप्य अग्नि माधुर्य स्टेज अनयूटिलाइज्ड पार्टली डाइजेस्टेड आम कंडीशन, मधुर रस इज नॉट फॉर्मड रिजल्टिंग शुक्र ओज क्षय, शुक्र क्षयजन्य क्लेब्य और सिम्टम्स ऑफ दी ओज क्षय, ये शुक्र क्षयजन्य क्लेब्य और ओज क्षय ये सिम्टम बहुत ज्यादा इसमें दिखाई देते हैं। इसमें बहुत हमने बहुत सारे पेशेंट आयुर्वेदिक डॉक्टर को भी देखा है, क्या वैद्य को भी देखा है, बहुत सारे मतलब मकरध्वज ये बहुत सारे वृक्ष गण या ट्रीटमेंट लोग देते हैं लेकिन उसका रिजल्ट नहीं मिलता, तो पहले उनका एक रस बंद कर देना है, और शुक्र क्षयजन्य क्लेब्य और ओज क्षय ये दोनों को ध्यान में रख के ट्रीटमेंट देना शुरू कर दो, फायदा होता है। हमने ओजवटी
दिया है। चरक चिकित्सा थर्ड चैप्टर में मेरे ख्याल से 251, 253 या 225, ये जो जो की चिकित्सा है और उसमें वो भी चिकित्सा दिया है उसने, वहां का हमने कॉम्बिनेशन लाया, ये वो जो ओटी बोल के हम उसको देते हैं, शुक्रवार ब्लड दे सकते। ये तीन कॉम्बिनेशन हमने इस्तेमाल किया है। आत्मगुप्ता और पिंपली शॉर्ट शॉर्ट काम करता है। आत्मगुप्ता मतलब पिंपली और खसखस, जो आईफेन में आईफेन सीड्स आते हैं उसको मराठी में खसखस बोलते हैं, तो उसको हमने इस्तेमाल किया है, उसका बहुत अच्छा फायदा होता है। वंग और रजत का भी पौधा बहुत अच्छा हमने उसमें से देखा है। दूसरा एक कंडीशन आता है डायबिटिक में, डायबिटिक रिनल फेल्यूर। मधुर रस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द ऑल टिश्यूज। तो पेशी जो होता है या सेल्स होता है उसका रीजनरेशन या रेजिनेशन जो होता है ये मधुर रस से होता है, और ये मधुर रस ही पहले खराब हो गया या मेद की वजह से तो ये प्रॉब्लम आता है, विच इज नॉट प्रॉपरली डाइजेस्टेड ड्यू टू दी भूताग्नि मंद्य। तो वृक्क इज फॉर्मड फ्रॉम द प्रसाद भाग ऑफ द मेद एंड रक्त, जो बनाए तो मेदा प्रसाद भाग से, मादर इज आम कंडीशन इन रक्त। तो हम जो इस्तेमाल करते हैं इस पेशेंट में तो मेद पाचक, रक्त पाचक और बाकी जो ड्रग देते उसमें से श्योर शॉट उसका फायदा होना शुरू हो जाता है, और इसमें रिनल फेलियर में बहुत सारे फायदे होते हैं। और रिनल फेलियर मेद इज द मोस्ट विशेटेड धातु इन द मधुमेह लॉन्ग स्टैंडिंग एंड ए सीवियर भूताग्नि मंद कैन लीड टू दी विद द माइक्रो इन्फ्लेमेशन ऑफ द टिश्यू एंड वाइटल ऑर्गन्स व्हिच कैन लीड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ द सम और ऑल सेल ऑफ द टिश्यू। तो इसका ट्रीटमेंट जो करना है उसमें तीन चीजें याद रखना है उस ट्रीटमेंट के लिए। ये ट्रीटमेंट करते टाइम पे लिवर बेस्ड ट्रीटमेंट हमें देना चाहिए, लिवर बेस्ड और किडनी का ट्रीटमेंट और मधुमेह का ट्रीटमेंट, इसमें तीन ही ट्रीटमेंट देना है। तो हमें ये फलत्रिकादि गुगुल जो है, ये फलत्रिकादि गुगुल 100% लिवर और किडनी ये दोनों का रिलेशनशिप जो रहता है तो उसको मेंटेन करने का और करेक्ट करने का काम करता है। त्रिकंटक आदि घृत ये रीजनरेशन ऑफ द सेल, मतलब आम पाचन करके रीजनरेशन जो सेल का करना है हमें किडनी का, तो रुख का, तो ये काम करता है, ये हमने बहुत जगह पे देखा है। निशा कथक आदि कॉप जो है, निशा कथक खदीर आदि, ये 100 बहुत बढ़िया और अच्छा काम करता है। दूसरी एक चीज आपको बोलना चाहता हूँ कि डायबिटिक पेशेंट में सबसे ज्यादा यूरिया और जो रिनल फेलियर रहता है उस पेशेंट में दो चीजें बढ़ जाती है, इसमें यूरिया ज्यादा बढ़ता है और दूसरा जो बढ़ता है वो क्रिएटिनिन बढ़ता है। एक बार क्रिएटिनिन अबाव 4 हो गया तो ये डायलिसिस बाकी चक्कर में चला गया, डायबिटीज है तो जब तक जीवित है तब तक उसको मेंटेन करना, ऐसा बोल के एलोपैथी के हिसाब से ट्रीटमेंट चला रहे थे। तो हमें क्या करना चाहिए, तिल नाल क्षार, ये नेफ्रॉन में जो ऑब्स्ट्रक्शन रहता है ये ऑब्स्ट्रक्शन बहुत बढ़िया और अच्छा सा निकलता है। क्षार बोला तो 100% वो क्लेद का मारण करता है, अच्छी तरह से उसका मेद विकृति करेक्ट कर देता है। एक बार मेद विकृति करेक्ट हो गई तो 100% ये बहुत कम होता है। हमने जो तिलनाल क्षार से और फलत्रिकादि गुगुल से या ऐसे ट्रीटमेंट से हमने 11 तक जो क्रिएटिनिन था वो क्रिएटिनिन, हेलो यूरिन एल्बमिन के लिए ये सबसे अच्छा और बढ़िया ट्रीटमेंट रहता है। ये कॉम्बिनेशन मैंने बहुत बहुत जगह पे देखा है, और उसमें यूरिन एल्बमिन जो है, यूरिन एल्बमिन के लिए सारीवा 1-2 पार्ट, मंजिष्ठा 1 पार्ट, सुपचिनी हाफ पार्ट और दालचीनी हाफ पार्ट, ये कॉम्बिनेशन यूरिन एल्बमिन, यूरिन में जो प्रोटीन जाता है ये प्रोटीन सभी जगह, मतलब नॉट ओनली डायबिटीज बाकी सभी किसी भी डिसीज में आप 100% इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके करीबन रिकॉर्डेड हमारे पास 20,000 से ज्यादा पेशेंट्स है ये कॉम्बिनेशन से काम किया है हमने। सी रिएक्टिव प्रोटीन ये भी हमने बहुत सारा देखा है, इसमें अर्जुन साल 10 ग्राम, देवदार 3 ग्राम, पद्मकाष्ठ जो इस्तेमाल करते हैं या कंकोल, इसको क्या करना है तो फ्रेश जूस जो रहता है भंगराज का उसको उसका मर्दन करो और उसकी टैबलेट 500 मिलीग्राम की दे दो। सी रिएक्टिव प्रोटीन या मधुमेह में भी रहता है या किसी भी डिसीज में सी रिएक्टिव प्रोटीन का प्रॉब्लम रहता है तो ये 100% करेक्ट कर देता है। ये भी हमने थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट हमने देखे, ये अलग अलग ड्रग इस्तेमाल हमने किए और उसके कॉम्बिनेशन बनाए।
दूसरा इसमें से तीसरा जो है ये डायबिटिक पेशेंट और डायबिटिक कार्डियोलॉजी, ये सबसे ज्यादा दिखाई देती है अल्थेरोस्क्लेरोसिस। ये कंसेप्ट पहला जो हमने देखा था भूम्याग्नि पांडे विल कॉज इंपेयर्ड डाइजेशन ऑफ द अदर पृथ्वी प्रॉपर्टीज ऑल्सो लाइक गुरु स्थूल एंड स्थिर गुणा। विकल्प संप्राप्ति मतलब अंशांश कल्पना तो भूम्याग्नि पांडे इफ एक्सटेंडेड टू द इंडिविजुअल्स धातु कैन गिव फर्दर क्लेरिफिकेशन ऑफ द मोर थिंग्स। अल्थेरोस्क्लेरोसिस इज द रस धातु भूम्याग्नि मांड्य विल लीड टू अनवांटेड गुरु गौरव गुण मतलब गुरु गुण रस धातु। तो गुरु प्रॉपर्टीज कॉजेस साद उपलेप बल तर्पण एंड ब्रहण। इम्प्रॉपर्टाइजेशन विल कॉज पैथोलॉजिकली साद रस धातुवाग्नि मांड्य उपलेप पैथोलॉजिकल कोटिंग इन दी रस वस्त्रों स्पेशली इन मूल स्थानों ऑफ हृदय। तो अल्थेरोस्क्लेरोसिस कोरोनरी आर्टरी में सबसे ज्यादा होता है, ये रस धातु विकृति से होता है। तो अल्थेरोस्क्लेरोसिस है दौर्बल्य एंड अनवांटेड ब्रहण। तो इट कैन लीड टू रस धातु जन्य रुद्रोग इश्मिक हार्ट डिसीज है व्हिच मे पेशेंट मधुमेह आर लाइकली सफर फ्रॉम, सबसे ज्यादा इसमें सफर होता है। तो लसुनादिवटी नवगुगुल और कांचनार, ये तीन ड्रग्स है इसमें बहुत अच्छा फायदा होता है। बहुत सारे बाकी भी ड्रग है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जानबूझ के मैंने ये कांचनार गुगुल डाल दिया है इसमें। और कांचनार गुगुल का रिजल्ट भी हम देखें। एक्चुअली रस धातु विकृति है आम है उस कंडीशन में, लसुनादिवटी और नवगुगुल हम कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन कांचनार गुगुल का आपको क्वेश्चन मार्क रहेगा। तो पहले क्लियर कर देता हूँ कांचनार गुगुलों का, कांचनार का आप रसे रूप आप देखेंगे तो कांचनार हिमशील है, लेकिन जब माइक्रो वेसल्स में आपके इसमें से सबसे ज्यादा विकृति होती है तो मसल एंड वेसल इसका मेंटेन करने का काम जो करता है ये कांचनार गुगुल करता है, इसीलिए इसको हमने इसमें इस्तेमाल कर दिया। दूसरा जो हमने हमें दिखाई देता है कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड गुड मेटाबॉलिज्म, ये एक कॉम्बिनेशन सबसे अच्छा काम करता है। ये मंथली 1 वीक लेना है ये ट्रीटमेंट। तो इसमें त्रिफला 5 ग्राम, कुटकी 2 ग्राम, चवक 1 ग्राम, चितरक 1 ग्राम, कंकुल और विडंगा, ये कॉम्बिनेशन आपने 1 वीक दे दे दिया। और एवरी एवरी वीक उसको मंथली 1 वीक देना, ऐसे 5 to 6 month दे दिया तो ये कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड जो डायबिटीज में सबसे ज्यादा बढ़ जाता है और कॉम्प्लिकेशन डेवलप करता है, ये 100% इससे से मेंटेन होता है। ये भी हमने 1000 से रिपोर्ट हमारे पास अवेलेबल है। दूसरा जो सबसे बड़ा मुझे प्रॉब्लम दिखाई दिया जो डायबिटीज के, मैंने जितने सारे पेशेंट्स और बहुत सारे पेशेंट हाइपरटेंशन के करने के बाद पता चला, हाइपरटेंसिव ड्रग इंड्यूस्ड ड्राई कफ, ये बहुत कॉमन मिलता है, ये बहुत ज्यादा पेशेंट मिलते हैं। और मिरेकल हमें दिखाने के लिए ये हम काम कर सकते हैं और हमारे पास ये पेशेंट स्टकअप रहना है। तो ये जैसे रैमपेर और इनेप्रिल जैसे एसी इनहिबिटर जो रहते हैं ये ज्यादा दिन तक दे दिया तो पेशेंट को ड्राई कप आता है। ये किसी भी ट्रीटमेंट से एलोपैथी के 100% नहीं जाता, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ क्योंकि मैंने इतने सारे पेशेंट्स देखे हैं। लेकिन पद्मकाष्ट कंकुल और बहरंगी मूल इसका 5 डेज आपने इस्तेमाल कर दिया, दो सिंगल टू डोज में आप इसका कषाय बना दो, ये समान मात्रा में लेना है 1 1 1 1 ऐसा इसका कषाय बनाना है। उस कषाय को ले लिया आपने तो सेकंड डोज में ये 50% कम हो जाता है और पेशेंट आपके पास टिकअप रहता है। ये तो बहुत सारे ड्रग इंड्यूस्ड, हम इसके ऊपर एक और एक लेक्चर दे सकते हैं कि जितने एलोपैथी के ड्रग है उसके ड्रग इंड्यूस्ड जितने डिसीज है उसके लिए हमने बहुत सारे क्रिटिकल डिसीज में सोल्यूशन दिया है और उसका बहुत अच्छा फायदा हुआ। जो सुश्रुत में ऐसा लिखा है जैसे जैसे कि पीड़िका जो है प्रमेय पीड़िका उसने उसने दिया, या प्रमेय पीड़िका चिकित्सा 12 और मधुमेह चिकित्सा 12। सुश्रुत ने बहुत ही बढ़िया और अच्छे सा उसका वर्णन किया है, आप टेक्स्ट बुक में देख लो और उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। कंसेप्ट कॉम्प्लिकेशन जो रहते हैं जैसे रीजनिंग ऑफ द व्हाई देयर इज अ प्रॉब्लम इन लोअर एक्सट्रीमिटीज ऑफ द डायबिटिक पेशेंट लाइक डायबिटिक फुट, उस टाइम पे उनको 100% पता था कि कॉम्प्लिकेशन क्या आने वाली है, कैसे है रसायनी ब्लड वेसल्स से पीड़िका माइक्रोवेस्कुलर एंड कॉम्प्लिकेशन ड्यू टू दी माइक्रो इन्फ्लामेशन। अभी जो कोविड है, कोविड में सबसे ज्यादा लोग जो है ये सबसे ज्यादा अभी क्या प्रॉब्लम आने वाला है पोस्ट कोविड, हमने जो लास्ट बोला था तो ये डायबिटिक के पेशेंट जो रहते हैं इनका एक्सरसाइज कम हो जाता है, ये घर में ज्यादा बैठे रहते हैं
और ग्रेविटेशन फील्ड की वजह से एक्सट्रीमिटीज में सबसे ज्यादा क्लीव और ये आ जाता है लोअर एक्सट्रीमिटीज में, और वहां डायलेटेशन माइक्रो वेसल्स का होता है, और सबसे ज्यादा प्रमेह पीड़ी का उसमें आने का चांसेस है, और डायबिटिक फूड के सबसे ज्यादा पेशेंट पोस्ट कोविड आने वाले हैं। तो उसके लिए हमें अभी क्या करना है, तो ये सभी ड्रग हम इस्तेमाल कर सकते हैं। असेसमेंट ऑफ क्राइटेरिया मतलब ये सही पेशेंट कैसा हो गया है, तो ये श्लोका है, व्हेन द यूरिन ऑफ द डायबिटिक पेशेंट्स बिकम्स क्लियर ट्रांसपेरेंट एंड बेटर एंड पंजेंट इन द टेस्ट एंड सच पेशेंट्स बिकम हेल्दी। ऐसा उस टाइम पे उन्होंने पेशेंट का 100% कंट्रोल कैसा हुआ है ये भी उन्होंने क्राइटेरिया दे दिया है। दूसरा जो हमने देखे था, तो इन सच स्टेटमेंट आर नॉट डन द माइक्रो इन्फ्लेमेशन इन इंक्रीज ऑफ द ग्रेट एक्सटेंट रिजल्टिंग इन द स्ट्रक्चरल और ऑर्गन स्पेसिफिक एबनॉर्मलिटीज। तो कॉम्प्लिकेशन आते हैं लाइक टिश्यू डैमेज और ऑर्गन डैमेज लाइक डायबिटिक फूड कार्बनकल्स रेटिनोपैथीज नेफ्रोपैथीज एथेरोस्क्लेरोसिस वेयर सर्जिकल इंटरवेंशन बिकम नेसेसरी। दिस स्टेज नीड टू बी ट्रीटेड विद ट्रीटमेंट व्रण चिकित्सा। व्रण चिकित्सा की ट्रीटमेंट अच्छी तरह से हमने करना शुरू कर दिया, तो ये मैक्सिमम बाकी चीजें करने की जरूरत नहीं पड़े। तो ये जो पीड़िका का जो कंसेप्ट है उसमें से ऑलमोस्ट एवरी संहिता हैज डिस्क्राइब्ड प्रमेय एंड प्रमेय पीड़िका टुगेदर मेकिंग इनविजिबल एसोसिएशन। ये सब उन सभी ने उनको बोल के रखा है क्योंकि उनको कॉम्प्लिकेशन। अभी हम एक प्रमेय पीड़िका आपने देखा है, तो एक केस स्टडी आपको बता देता हूँ मैं। बहुत सारे केसेस किए लेकिन डायबिटिक फूड के ऊपर हमने बहुत सारा डिस्कशन किया था। तो एक केस है डायबिटिक फूड की, तो ये केस इसलिए जानबूझ के हमने डाला है कि इस केस का स्पेशल मतलब ये जो केस है उसमें ये एडवोकेट है और इसका एक्सीडेंट हुआ था। ये 2 इयर्स उनको कुछ पता नहीं चल रहा था, मतलब ये कोमा में था 1 ईयर। 1 ईयर के बाद बाहर निकला, फिर उसको डायबिटीज हो गया। डायबिटीज के बाद उनको डीबीटी हो गया, डीबीटी और ये प्रमेय पीड़िका मतलब उनको डायबिटिक फूड डेवलप हो गया। उसका ट्रीटमेंट हमने करना शुरू कर दिया था, ये बिफोर ट्रीटमेंट है इसका। ये पूरा जो आपको वाइटी दिख रहा है ये पूरा के पूरा उसमें वुंड था, ये भर के आई हुई वुंड है, ये बिफोर ट्रीटमेंट है उसमें ये प्रमेय पीड़िका डेवलप हो रही है। आफ्टर ट्रीटमेंट ये पेशेंट के पूरा क्लियर हो गया। हमने इसका जो ट्रीटमेंट किया है इसमें से देखेंगे आप, इसमें तो शोप जनयितोपदं द्रवाणं रक्षितम्। तो सच ट्रीटमेंट इज नॉट डन इन स्टेज ऑफ दिस कंडीशन हाइपरग्लाइसीमिया प्रोग्रेसिव। द मसल टिश्यू एंड ब्लड गेट्स विशेटेड एंड कॉजेस माइक्रो इन्फ्लामेशन एंड माइनर कॉम्प्लिकेशंस। तो इज द इन्फ्लामेशन एंड शोथ इज इडिमा। ये व्रण चिकित्सा हमने इसके ऊपर किया था। ट्रीटमेंट जब भी आए इस डायबिटिक फूड के लिए बहुत सारे पेशेंट्स हमने ट्रीट किया है। ये कॉमन हमने ट्रीटमेंट इस्तेमाल किया है उस टाइम पे, जितने जितने पेशेंट अलग दिखता है। तो ये तुरक भी है, तुरक भी का उसको हिंदी में चाल मोगरा बोलते हैं, हम चाल मोगरा इस्तेमाल करते हैं। गुगुल है, सारिवा, मंजिष्ठा और खदीर, ये कॉम्बिनेशन श्योर शॉट काम करता है, बहुत अच्छा काम करता है। इसमें से हमने बहुत सारे पेशेंट्स को देखे देखा है। गुगुल तिक्त कॉफ हम यूज करते हैं, गुगुल तिक्त कषाय, ये अष्टांग हृदय का पार्ट है। आरोग्य वर्धिनी मॉडिफाइड करके हमने दिए, इसमें मॉडिफाइड आरोग्य वर्धिनी जो है इसमें शिला जो तो निकाल के हमने तुवरक भी डाल दिया है इसमें, और कांचनार गुगुल। ये ट्रीटमेंट से ये लास्ट वाला पेशेंट ट्रीट हुआ था। प्रिवेंशन के लिए प्रिवेंशन हु इज इट एंड मेंटेन द इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी टिश्यू एंड इज एक्चुअली एक्टिवली मूविंग अराउंड द अचीव्स गुड। इसका प्रिवेंशन करना चाहिए। ये मानस भाव जो है ये खाली जैसे हमने बोला कि स्वस्थ व्यक्ति के लिए बोला है कि बोल के रखा है हमारे इसमें चरक ने जो बोला प्रसन्न आत्म इंद्रिय मन स्वस्थ अभिधि, ये भी सुश्रुत निदान का श्लोक है, हर एक बार और पढ़ लो। थैंक यू वेरी मच। जितना हो सका उतना फास्ट हुआ पता नहीं मुझे, लेकिन अच्छा देने की कोशिश की हमने। हेलो,
हेलो सर, बोलिए बोलिए। हाँ बोलो। यस, थैंक यू सर। 1.5 घंटे के टाइम में सर आपने 1 ही घंटे में फिनिश कर दिया। थैंक यू सो मच। हाँ फॉर नाउ देर आर नो क्वेश्चंस इन चैट बॉक्स। इफ देर आर एनी क्वेश्चंस प्लीज पोस्ट इन द चैट बॉक्स। सर वैसे क्वेश्चंस का चांस ही नहीं है सर, आपने इतने श्योर शॉट यू हैव टोल्ड एवरीथिंग सर। डॉक्टर पीयूष गुप्ता, ही हैज आस्क्ड लाइक आई थिंक ही वांट टू एक्सट्रैक्ट मोर नॉलेज फ्रॉम यू। हाउ कैन वी कंपेयर हाइपोथायरॉयडिज्म इन आयुर्वेदा सर? ये आयुर्वेद में हम मेद दृष्टि बोल के हमने ट्रीटमेंट करना शुरू कर दिया, तो फॉर मेद कंडीशन तो हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं उसमें से। हाइपोथायरायडम टू टाइप का हमें करना चाहिए। जब ये हाइपरथायरायडिज्म रहता है तो कफान मेद की विकृति रहती है उसमें से, और हाइपोथायरायडिज्म जो जब भी रहता है तो ये अग्नि विकृति रहती है, और मेद की विकृति बोल के हमने ट्रीट करना चाहिए। तो इसके लिए बहुत बहुत अच्छा काम कर सकते हैं इसमें, और डायबिटीज और हाइपोथायरायडिज्म बहुत कॉमन कॉम्बिनेशन में आ जाते हैं। सर सेम वे में सर हाइपरटेंशन को हम किस में कंपेयर कर सकते हैं सर इन आयुर्वेदा? हाइपरटेंशन में आवरण चिकित्सा भी कर सकते हैं इसमें से। पित्त कंडीशन जो रहती है मतलब से पित्तावृतवाद, ऐसा हम ट्रीट करते हैं उसको। तो इसलिए जो पित्त शमन चिकित्सा है उसको दिया तो फायदा हो जाएगा। ओके सर। पीयूष गुप्ता ने ही नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है सर, ट्रीटमेंट सर हाइपोथायरॉइडिज्म ट्रीटमेंट लास्ट। हाइपोथायरायडिज्म की ट्रीटमेंट चाहिए, कांचनार गुगुल श्योर शॉट दे सकते हैं, हाइपर और हाइपो दोनों में दे सकते हैं, और मेल और फीमेल है तो उसको ट्रीटमेंट अलग हो सकती है। तो फीमेल है तो उस पेशेंट के लिए मेद पाचक रक्त पाचक दे सकते हैं, जो ज्वर चिकित्सा में धातुगत ज्वर की चिकित्सा बोला उसी में से ले लो। और दूसरा उसके लिए सबसे अच्छा काम जो करता है ये विडंग विडंग आदि लोह ये दिया तो ये उसका अच्छा काम कर सकता है। ओके सर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू अंडरस्टैंड पेरिफेरल इंसुलिन रेजिस्टेंस इन आयुर्वेदा इन केस ऑफ डीएम सर? सॉरी, पेरिफेरल इंसुलिन रेजिस्टेंस सर इन केस ऑफ डीएम। पेरिफेरल। पेरिफेरल इंसुलिन रेजिस्टेंस सर। ओके ओके। पेरिफेरल इंसुलिन रेजिस्टेंस है एक्चुअली इंसुलिन अग्नि अग्नि की विकृति जो है एक्चुअली जो हमने जो लास्ट कंसेप्ट में हमने बोला था, जो क्लेद की जो है पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो आता है ना उसकी उसके लिए क्या करना चाहिए, तो ये मांस पाचक और मेद पाचक का 100% उसमें से रोल रहता है। क्लेद करेक्ट हो जाता है, अब्सॉर्प्शन करेक्ट हो जाता है, तो 100% इंसुलिन एब्सॉर्ब होना शुरू हो जाता है। तो इसमें खाली मेद पाचक और रक्त पाचक ये दोनों देना शुरू कर दो, ये पैनक्रास का भी काम अच्छे तरह से कर सकता ओके सर। है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम डॉक्टर शेफ अली। वेरी इंफॉर्मेटिव सर, प्लीज टेल अबाउट हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म एक्चुअली इसके लिए अलग एक सेशन लेना चाहिए उनके लिए, तो बहुत सारा मतलब एक इसमें से नहीं बोल सकते, लेकिन हाइपरथायरॉयडिज्म है, हाइपोथायरॉयडिज्म है, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है सभी, तो इसमें डायरेक्ट बोल नहीं सकते। लेकिन एक दो तीन चीजें आपको टाइम है तो बता देता हूँ मैं। आपने मेरा इंट्रोडक्शन जो बोला था उसमें से कुछ चीजें आपने बोली थी, उसमें से एक मुंडी का लिए बोला था, मुंडी गोरख मुंडी। आपको मैं एक चीज बता देता हूँ कि हाइपरथायरॉयडिज्म हाइपोथायरॉयडिज्म पैराथायरॉयडिज्म जो रहता है, पीटीएच पैराथायरॉयडिज्म, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, ये बहुत कॉमन अब दिखाई दे रहा है, और इसमें से कैल्शियम मेटाबॉलिज्म टोटल कैल्शियम चेंज हो जाता है। गोरख मुंडी जो है या मुंडी जिसको बोलते हैं हम, इसका 500 mg का 2 टैबलेट दे दिया तो ये 15 या 20 डेज में ये नॉर्मल आ जाता है, और कैल्सिफेरॉल और कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म सबसे अच्छा होता है। और जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं
और जिनके मतलब 100% मतलब हेयर फॉल होता है बहुत ज्यादा, ये हाइपरथायरॉयडिज्म भी होता है या पैराथायरॉयडिज्म भी होता है कैल्शियम के, तो गोरख मंडी इसमें इस्तेमाल करना शुरू कर दो 100% पैराथायरॉयड या थायरॉयड और पीटीएच के लिए सबसे अच्छा काम करता है, कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म सही कर देता है कैल्शियम का, तो गोरख मंडी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी एक चीज बोलना चाहता हूं मैं, हरिद्रा हमने इसमें बहुत इस्तेमाल किया है, लेकिन हरिद्रा का आपने देखा होगा कि हरिद्रा अकेली काम नहीं करती कभी भी, हरिद्रा विद प्रोटीन काम करती है 100%, तो घी या ऑयल के साथ हरिद्रा इस्तेमाल करना शुरू कर दो, 100% उसकी एक्शन रहती है हरिद्रा की, तो हरिद्रा उसके लिए इस्तेमाल करना चाहिए। तो निशा अमल की जो बनती है, हमने निशा अमल के बहुत सारे कल्प करके देखे लेकिन उसका रिजल्ट नहीं मिला हमें, लेकिन हमने जब उसमें ऑयल डालना शुरू कर दिया, मतलब ऑयल सीड्स डाला, निशा अमल की और ऑयल सीड्स कोई भी ऑयल सीड डाल दो और उसका कॉम्बिनेशन करना शुरू कर दिया, तो 100% उसका बहुत अच्छा रिजल्ट हमें मिला। और तो इसमें अब कल्प को मॉडिफाइड करना चाहिए, जैसे कि पहले वाले जो ग्रंथ में बोल के रखे जो कल्प है वो सभी के सभी कल्प जो है ये 100% काम करते नहीं है ऐसी बात नहीं है, लेकिन अभी मॉडिफाइड करना चाहिए, जैसे कि गूगल है इतना जो जो त्रिफला गूगल में इतना पार्ट बाकी ड्रग है उतना गूगल उन्होंने बोला है, लेकिन उतना गूगल डालने की जरूरत नहीं, 50% गूगल कर दो 100% रिजल्ट आना शुरू हो जाता है, तो थोड़ा मॉडिफाइड करना चाहिए। तो ड्रग डिजाइन जब से हमने स्टार्ट किया और उसका काम करना शुरू कर दिया तो अच्छा उसका काम हमने देखने को मिल गया, तो ये आप थोड़ा सा बदल दो 100% उसका फायदा हो जाता है। और मैंने जो कंसेप्ट आपको बोला उसमें से तीन चीजें याद रखो, बाकी क्लेद को याद रखो, क्लेद, दूसरा जो पृथ्वी अग्नि बोला है हमने, याप्य अग्नि बोला है उतना याद रखो, और उसके हिसाब से आप अपना ड्रग का कॉम्बिनेशन बनाना शुरू कर दो, 100% सभी में रिजल्ट आना शुरू हो जाता है। और ये मैंने बहुत करके देखे, मतलब करीबन हमारे पास 1 लाख से ज्यादा पेशेंट्स हैं और उसमें से 10,000 पेशेंट डायबिटिक फूड के हमने ट्रीट किया है, और विद हमारे साथ जो काम करता है डायबिटोलॉजिस्ट है, वो बोलता है कि हमारे से कुछ नहीं होता, तो हम बाकी कर सकते हैं और आप भी 100% कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम डॉक्टर पीयूष गुप्ता। इन मेल हाइपोथायरॉयडिज्म ट्रीटमेंट सर, हाँ, ये मिलते हैं पेशेंट, बहुत सारे पेशेंट मिलते हैं, क्योंकि पहले ऐसा लगता था कि बहुत सारे फीमेल को है, क्योंकि फीमेल में सबसे ज्यादा टेंशन ट्रेस बाकी रहता है, लेकिन मेल में भी बहुत ज्यादा आ रहा है। मेल में स्पेसिफिक ट्रीटमेंट उनको देना है तो मेल में कंचनर गूगल दे दो, और सबसे बढ़िया रहे मेल में जटामांसी फंड देना शुरू कर दो, जटामांसी फंड, और उसको प्रेगेटिव देना चाहिए, कुछ भी आप जो विरेचनीय द्रव्य रहते हैं विरेचनीय द्रव्य देना शुरू कर दो, पहले कंचनर गूगल कंपलसरी उसको देना है, उसके साथ उसको एक जटामांसी फांड देना है और एक पर्गेटिव जैसे कि गंधर्व आहृत की, गंधर्व हस्तादि, ऐसा कुछ भी दे दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ये तीन मेडिसिन दे दिया तो थायराइड नॉर्मल आ जाता है, और कैल्शियम के लिए मेल में गोरख मुंडी इस्तेमाल करना शुरू कर दो, उसका फायदा हो जाता है। ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनी विरेचक योगा इन डीएम सर। हाँ, इसमें एक काम कर सकते हैं, निशुत्तर जो रहता है, त्रियुक्त लेह जो रहता है, त्रियुक्त लेह, तो त्रियुक्त लेह सबसे अच्छा काम करता है और उसमें कॉम्प्लिकेशन भी नहीं आते, तो त्रियुक्त लेह यूज करो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और योगा बताना है तो निशुत्तर 1 पार्ट ले लो और त्रिफला 3 कटु इसमें डाल देना, ये दोनों मिलके 1 पार्ट होना चाहिए। और उसमें सोनामुखी जो रहती है उसके पत्ते, सोना उसके पत्ते डाल दो, ये सबसे अच्छा योगा उसमें रहता है, लेकिन त्रियुक्त ले बेस्ट, त्रियुक्त ले लिया तो फायदा हो जाता है। अच्छा, ओके सर। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम डॉक्टर पवित्रा। सर, प्लीज टेल अबाउट ट्रीटमेंट ऑफ टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस। हाँ, टाइप 1 के लिए ज्यादा तो हमने किया नहीं, लेकिन एक केस आपको बता देता हूँ मैं। टाइप 1 के लिए इंसुलिन सबसे बेस्ट है, लेकिन हमने क्या किया था, एक रेफरेंस मुझे मिला था, मतलब ये ग्रंथोक्त रेफरेंस नहीं है, ये बहुत सारे बार हमने पढ़े थे जो पुराने महाराष्ट्र में मिलते, उस बार में एक जगह पे मुझे मिला था तो मैंने काम किया था। जो काऊ रहता है, गाय रहती है, गाय, उस गाय को धान्य खिलाना है, जैसे जवार रहता है ये, तो उसको बहुत ज्यादा खिला दिया तो ये गोबर में से आ जाता है, उसको निकाल के उसको धो के रखना, और जैसे हम उसको प्राउट्स लाना है, वो प्राउट बांध बांध करके प्राउट्स लाना,
उस स्प्राउट्स का निकाल के उसका जो जूस निकालता है वो जूस 21 डेज का देख देना। तो ये दो केसेस हमने किया था, उसमें से एक केस का पूरा इंसुलिन स्टिमुलेशन हो गया और अभी उसके लिए कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं है, वो लाइव है अभी भी। और हम बोल सकते, लेकिन सिंगल केस है ये, मतलब स्टिमुलेशन मिल गया हमारे प्रॉड्स की वजह से हो गया या वो अपने नॉर्मल हो गया ये बता नहीं सकता। लेकिन टाइप 1 के लिए हम, लेकिन दो चीजें कर सकते हैं टाइप 1 के लिए, उसके जो सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं उसको ट्रीट करना है तो अर्गवर्धन इस्तेमाल करो, अच्छा काम होता है। और टाइप 1 का जो है ये कृश प्रमेय बोल के ट्रीट करना शुरू कर दो और धन्वंतर तो उसको देना शुरू कर दो, 100% उसका सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस कम हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे हमने देखे जो टाइप 1 के लिए हम काम करते हैं तो उसका बहुत फायदा होता है। थैंक यू सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनी शोधन है चिकित्सा इन क्रॉनिक रीनल फेलियर सर। रीनल फेल्यूर में शोधन चिकित्सा नहीं करना, लेकिन पॉलिएटिव दे सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला था आपको कि व्यान अपान विकृति जो रहती है, व्यान अपान विकृति के हिसाब से दे दो, तो इसमें विरेचन दे सकते हैं, लेकिन तिलोत्तोलिया का विरेचन, माइल्ड विरेचन दे दो। लेकिन क्रॉनिक रीनल फेल्यूर में ज्यादा कोई पंचकर्म नहीं करना, क्योंकि ज्यादा पंचकर्म किया तो उसमें प्रॉब्लम आता है। कुछ लोगों ने, हमने बस्ती दिया था, बस्ती का हमने देखा था, लेकिन बस्ती में कॉम्प्लिकेशन हमने देखे हैं, इसीलिए बस्ती नहीं देना चाहिए। लेकिन तृणमूल जो रहते हैं तो तृणमूल आदि क्वाथ का बस्ती दे सकते हैं, इसमें फायदा होता है, नहीं ऐसे नहीं। लेकिन शाह के ट्रीटमेंट के तो, अपान विकृति के ट्रीटमेंट के तो उसका पक्का फायदा होता है। सर जो आपने अभी बताया सर गाय के गोबर से वी हैव टू टेक द ग्रेन्स, सो सेम रेफरेंस अष्टांग हृदय में है सर, हस्ती उष्ट्र। है अष्टांग में रेफरेंस मिलता है, लेकिन एक्चुअली कौन सा ग्रेन्स लेना है ये इसमें लिखा नहीं है। नहीं सर लेकिन एक्चुअली इट इज इम्पॉसिबल सर, आज के टाइम पे हाथी ऊंट हम कहाँ से ढूंढते हैं, तो गो मैंने 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 करके देखा था, मैंने इतना सारा काम करता हूँ करके देखा था, लेकिन दो पेशेंट के बाद दूसरा तीसरा मैं कर नहीं पाया क्योंकि तो बहुत हेक्टिक रहता है, होता नहीं है। ओके सर, सो गो विल गो इज अ फाइन रिप्लेसमेंट फॉर देम ना सर, दैट वुड बी आई वांटेड टू आस्क। या ओके सर, थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटिक कीटो एसिडोसिस सर। कीटोसिडोसिस में पहले एलोपैथी दे दो भाई, क्योंकि कैसा रहता है कि बहुत इमरजेंसी रहती है उसमें से, तो पहले एलोपैथी ट्रीटमेंट करके सेट करना चाहिए और उसके बाद उसको नवाइस लोहा देना चाहिए, करेक्ट होता है। या उसी पेशेंट के लिए आप हिंगू अचादी या हिंगवादी चूर्ण दे सकते हैं, उसका फायदा होता है। लेकिन पहले कीटोसिडोसिस है तो इमिडिएटली पहले, ये इमरजेंसी है, ये एलोपैथी वाले का काम है, हमारा पहले उसमें काम नहीं है, ना बोलना भी सीखना चाहिए। ओके थैंक यू सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर प्लीज रिपीट द यूज ऑफ अरिस्टा। अरे भाई किसने पूछा इतना अरिष्ट के ऊपर। सच में एक कॉमन कॉमन पार्ट आपको बता देता हूँ कि हमने अरिष्ट बना खुद बनाए हैं अरिष्ट बहुत सारे, और हमने इस्तेमाल करके भी देखे। जब भी अरिष्ट हम देते हैं तो बहुत सारे वैद्य का हमने देखा है कि अरिष्ट 2 स्पून देते लोग, 6 से 7 ml होता है, उसमें से 4 स्पून उसमें से वो लोग बोलते हैं कि उसमें से पानी डाल दो। इतना डायलूशन करने के बाद भाई, असव अरिष्ट ये अल्कोहल है तो उसका एब्सॉर्प्शन बाकी का इतना डायलूट होने के बाद एक्शन का चांस बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी। तो उसमें असव अरिष्ट कितना देना चाहिए, तो 30 ml असव, उसी भी असव अरिष्ट को 30 ml देना चाहिए, एक्सेप्ट सारस्वत विथ गोल्ड, वो खाली 5 ml देना है, बाकी सभी असव अरिष्ट जो है 100% 30 ml देना चाहिए और बिफोर फूड देना चाहिए, तभी उसका एब्सॉर्प्शन सबसे अच्छा होता है और जो लिवर के जो कुफर सेल्स है उसको स्टिमुलेशन अच्छी तरह से मिलता है और ये एक्शन देता है। हमने बहुत सारे अत्यार्थों के केसेस 40 ml अशोक अरिष्ट 3 टाइम्स दिया तो ये पॉज MF या डायरेक्ट हार्मोन की टेबलेट देने के बाद जितना एक्शन नहीं मिलता वो सबसे ज्यादा एक्शन और फास्ट मिलता है, ये किसमें मिलता है, तो अशोक अरिष्ट 40 ml 3 टाइम दे दो, श्योर शॉर्ट रिजल्ट मिलते हैं। वैसे ही हम देते हैं कि जैसे कि दशमलव अरिष्ट रहते हैं, जो है जैसे कि अस्थमेटिक अटैक आता है तो इमिडिएटली आप 30 ml दे दो, 100% उसका फायदा होता है। तो 30 ml विदाउट वाटर बिफोर फूड किसी भी अस्थमेटिक देना है, एक्सेप्ट सारस्वता विद गोल्ड।
Thank you, sir. Sir, one question from my side, sir. Any treatment for Any treatment for Dadru, sir, Dadru, Dadru Kushta. ददरु 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 कुष्ठ के लिए, ददरु कुष्ठ रक्तवर्धिनी भी अच्छा काम करे, उसमें काल मोगरा जो है तुरक 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 के लिए सबसे अच्छा काम होता है। तुरक ऑयल इस्तेमाल करो एक्सटर्नल, और तुरक का इंटरनल इस्तेमाल भी कर दो, काल मोगरा बोल के आता है, ये सबसे अच्छा काम करता है। और विडंग आदि लोह मिलता है, विडंग आदि लोह यूज करो तो उसमें ददरु में सबसे अच्छा काम करता है ये। उन्होंने एक्चुअली अग्निमंत बोला था, लेकिन अग्निमंत के ऊपर हमने एक थीसिस किया था, कुछ फायदा नहीं हुआ, तो तोरक का फायदा होता है तोरक, इसे वो देना इस्तेमाल कर दो। चलिए, निम्ब अमृत आदि कैप्सूल भी यूज कर सकते हैं, ऑयल ऑयल की निम्ब अमृत आदि। सर, इट हैज मूव टुवर्ड्स कुष्ठा नाउ। ट्रीटमेंट फॉर श्वित्र सर? श्वित्र की ट्रीटमेंट करना है तो सबसे अच्छा श्वित्र का ट्रीटमेंट जो होता है तो ये हीना जिसको बोलते हैं, हीना मतलब मेहंदी जो रहती है, मेहंदी मेहंदी का सोरस हमने 2-1 ml मेहंदी का सोरस आप एम्प्टी स्टमक देते हैं तो ये 100% आपका ब्रेन में जो मेलेनिन सिंथेसिस करने वाला पिट्यूटरी ग्लैंड का मिडल लोब होता है, लोब रहता है, उसको स्टिमुलेशन देता है। मेहंदी हीना जो हाथ में लगाते हैं मेहंदी, उसके पत्र का सोरस, ये सबसे अच्छा काम करता है। दूसरा जो उससे रहता है तो ये हम काकुंदुमर यूज करते हैं, काकुंदुमर का भी रोल अच्छा है। बाकुची और ये बाकी सभी तो ड्रग मिलते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो बाकुची बाकी का शुद्र का ट्रीटमेंट सभी वो दे सकते हैं, और उसको रिपीटेडली आप विरेचन करते रहो, उसका फायदा अच्छा होता है सबसे अच्छा। हमारे यहाँ हम जो इस्तेमाल करते हैं तो मेहंदी का जो पत्ते रहते हैं उसका सोरस 1 ml दिया, लेकिन इसका एक धोखा रहता है या डेंजरस क्या रहता है, इसमें से बहुत ज्यादा वृद्धि को मतलब चक्राने का चांस रहता है, क्योंकि ये डायरेक्ट पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, उसके मिडल लोब को स्टिमुलेट करता है, लेकिन एक्सलेंट रिजल्ट देता है, और विद इन 20 days ये 21 days करेक्ट हो जाता है, तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं आप। और आरोग्यवर्धिनी भी अच्छा काम करती है, श्वेत कुष्ठारी रस बोल के आता है, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो श्वित्र का ट्रीटमेंट अच्छा होता है इसमें से। सर, ओनली 1 ml सर, हिना स्वरस। 1 ml इनफ, या 1 ml करेक्ट। ओके सर, विदाउट वाटर ना सर? विदाउट वाटर लाइक आसावा अरिस्टा और मिक्स्ड विद वाटर? नहीं, विदाउट वाटर अरिस्टा नहीं, नीट लेना है भाई, पीना है तो डायरेक्ट पी लो यार, इसमें डाल के क्या फायदा है। उसका एक्शन तभी मिलेगा, नहीं तो एक्शन ही नहीं मिलेगा। और चरक ने मदा ते चैप्टर पूरा बोला है। यस, एक्चुअली वी हैव रीड द टॉपिक्स लाइक वी ऑलवेज यूज वाटर विद आसवारिस्टेंस वर्सेस एस सर, सो टुडे इज बिल्कुल फॉर अस। हां करेक्ट है, आप जो बोल रहे हैं पूजा जी वो करेक्ट है, लेकिन ये गलत है, हमने ये बहुत सारे पेशेंट में इस्तेमाल करके देखा है, और सबसे ज्यादा मैंने जो बोला था आपको कि आसव अरिष्ट जो हम इस्तेमाल करते हैं, जो अशोक अरिष्ट में मतलब इतने सारे लड़कियों को हमने दिया है या इतने फीमेल को दिया है कि इमिडिएटली सेकंड डोज में फायदा होता है। 2 ml में क्या फायदा होने वाला है, होता ही नहीं है, डायलूट हो जाता है तो एब्सॉर्प्शन ही नहीं होता उसका, तो जरूरत नहीं उसकी, और ये करके देखो 100% रिजल्ट आने वाला है पक्का। थैंक यू सर, for now there are no other questions sir, I think sir. Okay, yes sir, thank you so much sir, literally it was a marathon session of question answers, yeah. And directly yoga, yeah. Sir, really we students are very much thankful to you sir. Now I request Dr. Madhav Digavi sir, professor in HOD department of postgraduate studies in Kai Chikitsa, Taranath Government Ayurvedic College and Hospital Ballari, to present vote of thanks. Thank you sir. Thank you. सुरेश नमस्ते। हाँ सर, सर नमस्ते नमस्ते, आपको देखा तो बहुत अच्छा लगा सर, बढ़िया, बहुत बढ़िया सेशन हुआ, बहुत बहुत अच्छा। हैप्पी दैट यू हैव कवर्ड डायबिटीज, डायबिटीज कॉम्प्लिकेशंस एंड प्रिवेंशन ऑफ डायबिटीज इन ओवरऑल सेशन। इट इज अ कनेक्शन फॉर ट्रीटिंग एथेरोस्क्लेरोटिक डिजीजेस लाइक पक्षाघात आल्सो। Yes, in that way,
The comorbidity management in Pakshaghata is diabetes, diabetes complications, and we have given very good clinical approach to diabetes management in general practice and research. And also, you have given a very good concept on microinflammation and microvascular complications. It is really a concept to be taken up for diabetes management for our all audience. I'm very happy that you have taken much of your time along your busy schedule. And thank you for accepting our invitation and giving a good lecture. On behalf of Principal Dr. Syed Akhtar Fatima Madam and Administration of Government Ayurveda College, Bellary, once again thank you for your very good clinical applied and